السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. मैं आसिया मदनी हूँ और आप हमारे सिलसिलावार प्रोग्राम देख रहे हैं जस्ट फिक्स इट. आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो क्या है, वो है ह्यूमन बॉन्डिंग, स्पेशली विद इन द फैमिली. आज 21st सेंचुरी में रहने वाले माँ बाप हर वक्त इस प्रेशर का शिकार रहते हैं कि हम अपने बच्चों को वो सहूलियात नहीं दे पा रहे जो इस दौर का तकाजा है. यही वजह है कि वो मार्केट में आने वाले बेस्ट से बेस्ट गैजेट को बच्चों को फराहम करने की कोशिश करते हैं, इंटरनेट का एडवांस जो ऑप्शंस हैं उनको हसूल की कोशिश करते हैं कि बच्चों को दी जा सकें, ऐसे स्कूलों में डाला जा सके जहाँ पे वालदैन को लगता है कि बच्चे जो हैं तरक्की याफ्ता वर्ल्ड के साथ इन टच रहेंगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा, या ऐसी स्किल्स के हसूल के लिए कोशां रहते हैं जो बच्चों को या उनकी औलाद को आगे से आगे ले जाएगा. अच्छा, इस तरक्की के दौर में पहले तो बाप हुआ करते थे जो मेहनत करते नजर आते थे, और आज अब यूँ लगता है कि जो माँ है वो भी इसमें शामिल है. यही वजह है कहीं माएँ खुद कोर्स कर रही हैं, कहीं खुद जॉब कर रही हैं, और कहीं किसी न किसी अंदाज से अपने बच्चों की तरक्की के अंदर हिस्सा डालने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वो जो पहले एक ताल्लुक होता था औलाद का और माँ बाप का, इस मसरूफियात के चक्कर में वो ताल्लुक कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जा रहा है. ये दो रीज़न्स हैं. एक तो मैं समझती हूँ कि रीज़न है माँ बाप के पास औलाद के लिए टाइम ना होना, क्योंकि वो अपनी खुद ज़िंदगी या अपने खुद करियर के साथ स्ट्रगल करते करते इतने थक जाते हैं कि घर में आके उनके पास एक नई तरह की स्ट्रगल को पूरी जानदही के साथ और पूरी दिलजमी के साथ करने की हौसला और हिम्मत बाकी नहीं रहता. तो उनके पास ना तो टाइम है, ना ही पैशन है, और ना ही उनके पास सलाहियत बाकी रहती है. यह है कि वो अपनी सलाहियत तो वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है. और दूसरी वजह यह है कि जो सोशल मीडिया के साथ अटैचमेंट है आजकल के तलबा की, उसके साथ तलबा के पास भी वो टाइम नहीं है कि वो अपनी बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को टाइम दे सके. सीधा एक जगह से होके अपने तालीमी इदारे से निकल के घर के वापस उस कोने में बैठ जाना जहाँ पे सिग्नल्स अच्छे आते हों, और बस यही ज़िंदगी होके रह गई है. मैं इस ज़िंदगी का पूरी तरह से इसकी नफ़ी नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर हमें आगे बढ़ना है और 21st सेंचुरी के तकाजों के साथ साथ चलना है तो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है. लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर हमने बैलेंस कायम ना किया तो हम इस फ़ायदे की खातिर एक बहुत बड़े नुकसान से दो चार हो जाएंगे, और वो नुकसान है पेरेंट्स का अपनी औलाद के साथ वो ताल्लुक बाकी ना रहना. आज हमें अपने मीडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस सामने नज़र आ रहे हैं जिसमें दो तीन साल के अंदर अंदर बच्चे ऐसे ताल्लुकात डेवलप कर लेते हैं जिनका माँ बाप को पता ही नहीं चलता, और जिस वक्त वो चीज़ें सामने आती हैं तो माँ बाप हैरान होकर रह जाते हैं कि मेरा ये बच्चा और इस बुराई का शिकार, और उनके लिए इसको हज़म करना और इसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मैं ये समझती हूँ कि वो जो एक फैमिली टाइम होता था वो हमें फैमिली टाइम लाने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें बड़े भाइयों के साथ, बड़ी बहनों के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ एक फैमिली टाइम गुजारा जाता था, और उस फैमिली टाइम के साथ सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते थे. घर में अगर कोई बच्चा किसी परेशानी का, किसी एग्ज़ाम का, किसी चैलेंज का शिकार होता था तो पूरी फैमिली अपने अपने अंदाज से कंट्रीब्यूट कर रही होती थी उसको फैसिलिटेट करने की. और सबसे बढ़ के माँ का और औलाद का ताल्लुक, नफ्सियातदान ये कहते हैं कि माँ का औलाद के साथ ताल्लुक की ये हैसियत है कि बच्चे जितने चाहे बड़े हो जाएं, हम बूढ़े ही हो जाएं, ठीक है, यानी नेक्स्ट वाली एज में चले जाएं, उसके बावजूद जो माँ का टच है वो बच्चे के अंदर या औलाद के अंदर उस फीलिंग, वेलबींग की फीलिंग्स को स्टिमुलेट करता है, जिसके साथ दिमाग के साथ वो फ्लूइड्स सिक्रीट होते हैं जो कि फ्लूइड हैप्पीनेस के, काम डाउन होने के और ट्रैंक्विलिटी के फ्लूइड्स हैं, और उनकी इंसान को बहुत ज़रूरत होती है. तो हमें फिजिकल टच बढ़ाना है और हमें एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देना है. अगर हम प्रोफेशनल इनफ हैं कि हम अपनी जॉब की ज़िंदगी को टाइम अच्छा दे के वहाँ पर एक्सेल कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर इसको भी चैलेंज को टेकअप किया जाए और एक ऐसा सा टाइम टेबल तरतीब दिया जाए कि जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर क्वालिटी टाइम,
ठीक है, जिसमें तमाम इंटरनेट की जो है वो सब जो है वो बंद होना चाहिए, और हफ्तेवारी बेसिस पर अपनी फैमिली को एक शाम, एक दिन या कुछ भी ऐसा वक्त देना चाहिए एक तरतीब, एक टाइम टेबल और शेड्यूल के मुताबिक, ताकि फिर बॉन्डिंग जो है वो इंसान की बाकी रह सके। रखिएगा कि दुनिया में इंसानों का सरमाया एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, और ये सही हदीस से भी साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया मता है, और एक इंसान की बेहतरीन मता उसकी बीवी है, साले बीवी है। तो फैमिली जो है वो बीवी के साथ ही आती है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम उन बरकात को दोबारा हासिल कर सकें जो एक इंसान होने के नाते हमारी होनी चाहिए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।